बसंत पंचमी के अवसर पर आज रेलवे स्टेडियम में चल रहे बसंत उत्सव महोत्सव में ऐसे लगभग 2 दर्जन शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया जो मुरादाबाद के विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं को वर्षों से शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के सौजन्य से आयोजित किया गया। पिछले 2 दिनों से स्थानीय रेलवे स्टेशन ग्राउंड पर चल रहे पूर्वांचल महोत्सव कार्यक्रम में आज उन शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया जो वर्षों से मुरादाबाद के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं देते हुए बच्चों का भविष्य सवारने में जी जान से जुटे हुए हैं। और इसके लिए आज विशेष तौर पर बसंत पंचमी के अवसर पर आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल की पहल पर उन्हें बसंत शिक्षण सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर DIOS प्रदीप त्रिवेदी, आर्यभट्ट के ओनर अभिषेक अग्रवाल, स्कॉकलर डेन के MD विवेक ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, पूर्वांचल वासी संस्था द्वारा एक 3 दिवसीय कार्यक्रम सरस्वती पूजन का आयोजित कराया गया था, जिसमें यह संकल्पना रखी गई थी कि पूर्वांचल की जो सभ्यता है, पूर्वांचल की जो संस्कृति है, पूर्वांचल की जो ऐसी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को एक झांकी के रूप में और उसकी संस्कृति को नाट्य मंचन के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया जाए और साथ ही साथ पूर्वांचल की संस्कृति से, सभ्यता से अन्य लोग भी विज्ञ हो सकें, उसको जान सकें, समझ सकें, उसको साकार करने का यह एक प्रयास पूर्वांचलवासी संस्था द्वारा किया गया। और उसी कड़ी में आज जनपद के जो हमारे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों के प्रबंध तंत्र को और उनके प्रधानाचार्य को, उनके शिक्षकों को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है, अभिनव प्रयास किया है, कुछ इनोवेटिव वर्क किया है, उन्हें आज यहाँ अमर उजाला और स्कॉलर डेन के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसके लिए पूरा आयोजक मंडल और साथ ही साथ इसकी जो प्रायोजक संस्थाएं हैं, स्कॉलर डेन, अमर उजाला, वे सभी बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने पूर्वांचल की एक महक को मुरादाबाद, जो कि पीतल नगरी के नाम से विख्यात है, वहां फैलाने का काम किया है। देखिए, कार्यक्रम का समापन तो रात में विदेशिया नाटक से होगा। अभी कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी जी ने मन से अपने मुरादाबाद शहर में शिक्षा के क्षेत्र में डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन देने वाले जो टीचर्स हैं उनको सम्मानित किया, क्योंकि आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में जो साक्षात सरस्वती के रूप में अपने शिक्षण संस्थानों में विराजमान शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं, मुझे लगता है कि आज माँ शारदे के साथ उनका भी नमन होने का दिन है। इसलिए हम लोगों ने एक तरीके से उन्हें पुरस्कृत करके इनडायरेक्टली माँ शारदे की पूजा की है और ये एक अनूठी शुरुआत जो है उसमें बहुत से लोगों का सहयोग रहा है। पूर्वांचलवासी संस्था के जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत सहयोग रहा है, तो एक अभूतपूर्व आयोजन हुआ है। इसमें सभी लोगों का जो सहयोग रहा उसके लिए मेरा हृदय से आभार। जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको, जो शिक्षा के क्षेत्र में शहर में बहुत योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया।